दोस्तों, इस वीडियो में आपके साथ एक ऐसे वैकेंसी के बारे में बात करने वाला हूं जिसके वैकेंसी को जान के आप सभी बहुत ज़्यादा खुश होने वाले हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आपके लिए 224 से भी ज़्यादा न्यू वैकेंसियाँ आई हुई हैं। जी हाँ दोस्तों, आपके लिए इसरो की तरफ से 224 न्यू वैकेंसियाँ आई हुई हैं। इसका क्वालिफिकेशन क्या रखा गया है? यदि आपने ITI किया है, डिप्लोमा किया है, ग्रेजुएशन किया है, इंजीनियरिंग की है, MTech किया है या फिर आपके पास लाइसेंस है तो भी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, सारी चीज़ों को अपन यहाँ पे देखने वाले हैं, सो प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। तो आप सभी लोग देख सकते हैं दोस्तों, इसी एडवर्टाइजमेंट नंबर के थ्रू आपके लिए इसरो से 224 से भी ज़्यादा न्यू वैकेंसियाँ आई हुई हैं। ठीक है, तो सारी चीज़ों को अपन यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, तो प्लीज़ आप वीडियो को पूरा देखिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इसरो की तरफ से आपके लिए टेक्निकल असिस्टेंट, साइंटिफिक असिस्टेंट, लाइब्रेरी असिस्टेंट, टेक्नीशियन, ड्राफ्ट्समैन, कुक, फायरमैन, हैवी लाइसेंस ड्राइवर और लाइट व्हीकल ड्राइवर की वैकेंसियां आई हुई हैं। आप सभी लोग यहां पे चेक कर सकते हैं दोस्तों, आप अपने अकॉर्डिंग से देख लीजिएगा। ठीक है, आपके पास जो भी क्वालिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर वैकेंसियाँ आई हुई हैं, आप सभी लोग यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप यहां पे देख सकते हैं दोस्तों, यहां पे जैसे ही आप सभी लोग इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करेंगे दोस्तों, यदि आपको इस नोटिफिकेशन का PDF आपको प्राप्त करना है तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे जाके एग्जाम रेज लिख दीजिएगा, वहां पे आपको इसका PDF मिल जाएगा। उस PDF को अच्छी तरह से आप रीड कर लीजिएगा, फिर आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं, यहाँ पर बहुत सारी वैकेंसी आई हैं दोस्तों, जैसे कि मटेरियल साइंस की वैकेंसी आई हुई है, टोटल एक वैकेंसी आई हुई है। क्वालिफिकेशन आप देख सकते हैं, यदि आपने BTech किया है, BSc इंजीनियरिंग की है, ठीक है, तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारी वैकेंसी आई हैं, मैं सारी चीज़ों को आपके बारे पे यहाँ पे बताऊँगा। ठीक है, फिजिक्स की वैकेंसी भी आई हुई है, टोटल एक वैकेंसी आई हुई है। यदि आपने MSc किया है फिजिक्स से तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, ठीक है, फोटोग्राफी की वैकेंसी भी आई हुई है, फिटर की वैकेंसी आई हुई है दोस्तों, प्लम्बर की वैकेंसी आई हुई है, रेफ्रिजरेटर की आई हुई है, टर्नर, कारपेंटर, मोटर व्हीकल मैकेनिक, मैकेनिस्ट, वेल्डर, ठीक है, आप सभी लोग देख ही सकते हैं, ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल, ड्राफ्ट्समैन सिविल, यहाँ से भी आपके यहाँ पर वैकेंसियाँ आई हुई हैं, तो आप सभी लोग देख सकते हैं। ठीक है, कंप्यूटर साइंस की वैकेंसियाँ भी आई हुई है, इलेक्ट्रिकल की आई हुई है, सिविल की आई हुई है, मैकेनिकल की वैकेंसियाँ आई हुई हैं। आप सभी लोग क्वालिफिकेशन इसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं दोस्तों, बहुत लंबा नोटिफिकेशन है, आप अपने कैटेगरी के हिसाब से भी इसे यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से बात करते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, एनिमेशन, मल्टीमीडिया, मैथमेटिक्स, लाइब्रेरी असिस्टेंट की टोटल एक पोस्ट आई हुई है, आप सभी लोग देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुक की वैकेंसी भी आई हुई है, कुक की यहाँ पे 4 वैकेंसी आई हुई है, फायरमैन की यहाँ पे 3 वैकेंसी आई हुई है, आप सभी लोग देख सकते हैं। यदि आपने 10th पास कर लिया है और आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस कुक का, तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इसी तरह फायरमैन पे भी है, यदि आपने 10th पास कर लिया है, ठीक है, और आपके पास फायरमैन का सर्टिफिकेट है तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अब लाइट व्हीकल ड्राइवर की बात करते हैं, तो टोटल 6 वैकेंसी आई हुई है। यदि आपने 10th पास कर लिया है, आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस है और आपके पास लाइसेंस है तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से हैवी ड्राइवर व्हीकल की भी वैकेंसी भी आई हुई है, तो क्वालिफिकेशन यही है, यदि आपके पास हैवी लाइसेंस है, आपके पास 3 से ज़्यादा साल का एक्सपीरियंस है तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैंने सारी चीज़ें आपको यहाँ पे शॉर्ट पे बता दी हैं। यदि आप इस फॉर्म को अच्छी तरह से रीड करना चाहते हैं तो इसका PDF आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे जाकर इसे डाउनलोड कर लीजिएगा, फिर आप इसे रीड कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं सैलरी के बारे पे, तो इसकी सैलरी तो आप सभी लोग देख ही सकते हैं, इस तरह की जॉब है तो आपको यहाँ पर सैलरी तो बहुत अच्छी मिलेगी, साथ ही साथ आपको रिस्पेक्ट भी मिलेगी, जो आप सभी लोग देख सकते हैं। यहाँ पर आपकी सैलरी रहने वाली है 56,000 रुपये आपको पर मंथ सैलरी दी जाएगी, साथ ही साथ आपको अलाउंस वगैरह भी दिए जाएंगे। ठीक है, तो आप वहाँ पे देख लीजिएगा, आप जैसे पोस्ट के लिए अप्लाई कीजिएगा वहाँ पे आपको सैलरी दी ही रहेगी, तो आप वहाँ पे इसे देख सकते हैं दोस्तों। यदि अपन बात करते हैं ड्राइवर पोस्ट की, यहाँ पे सैलरी कितनी रहेगी, तो यहाँ पे ड्राइवर पोस्ट की सैलरी रहने वाली है 19,900 रुपये पर मंथ, साथ ही साथ आपको अलाउंस वगैरह भी दिए जाएंगे, तो आप यहाँ पे
देख सकते हैं। दोस्तों यदि आप इस फॉर्म को फिलअप करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसरो की वेबसाइट पर जाना पड़ेगा, तो ही आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। कब तक आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं दोस्तों, 16 फरवरी तक आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों बात करते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे पे। तो सबसे पहले आपका एक एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम के बेसिस पे ही आपके यहाँ पर सिलेक्शन होने वाला है, ठीक है। कौन कौन से पार्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। जैसे अपन बात करते हैं साइंटिफिक साइंटिस्ट इंजीनियर के लिए, ठीक है। तो पार्ट ए में आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो आपने एमएससी वगैरह पे पढ़ा है। इसी तरह पार्ट बी पे जनरल मैथ रीजनिंग और जीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आप सभी लोग देख सकते हैं। इसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के बाद ही आपके यहाँ पर सिलेक्शन होने वाला है। तो आप यहाँ पर देख लीजिएगा दोस्तों कौन कौन से टॉपिक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आप सभी लोग देख सकते हैं। यदि आप ड्राइवर की वैकेंसी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर सेक्शन दिए गए हैं कि इसे इस सेक्शन से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दोस्तों हैवी व्हीकल ड्राइवर से रिलेटेड मेरे यूट्यूब चैनल पे वीडियो भी है, आप सभी लोग उसे देख के यहाँ पे प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। दोस्तों यदि आप चाहते हैं कि मैं इसरो की इस वैकेंसी के प्रिपरेशन के लिए वीडियो बनाऊँ तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।